अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धनंजन सिंह सहित दर्जनों याचिकाओं ने याचिका दाखिल कर कहा कि पीसीएस प्री परीक्षा में 5 सवालों के उत्तर गलत हैं और उत्तर विकल्प गलत हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 3 सवालों के उत्तर गलत पाए, जिसमें से एक सवाल को हाईकोर्ट ने कहा है कि रद्द कर दिया जाए और शेष 2 सवालों के उत्तर सही विकल्प सही करके फिर से परिणाम घोषित किया जाए, ताकि सही लोग जो भी सफल अभ्यर्थी हों उनको मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। क्या चुनौती क्या दी गई थी याचिका में? पीसीएस प्री में सवालों के गलत उत्तर विकल्प देने के वैधता को चुनौती दी गई थी। उनका कहना था कि उन्होंने सही सवाल, याचिका कहना था सही सवाल के सही जवाब दिए थे, लेकिन जो आंसर की दिखाई देखी गई है तो उसमें पता चला है कि सही सवालों को वहां पर उत्तर विकल्प में शामिल नहीं किया गया था, उत्तर विकल्प गलत दिए गए थे, जिसके लेकर के उनका कहना था कि वो सफल घोषित होने चाहिए जबकि उन्हें मौका नहीं मिल रहा है।